हस्त मैथुन। दोस्तों, हस्त मैथुन करना किसी आत्महत्या करने से कम नहीं है। ये भी एक प्रकार का स्लो पॉइजन है, जहर है जो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जा रहा है, आपको नपुंसक बना रहा है, आपको ऐसा इंसान बना रहा है जो बिल्कुल बच्चे भी पैदा शायद नहीं कर सकता है। क्योंकि हस्त मैथुन ज़्यादा करने से हमारे शरीर में वीर्य की कमी हो जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, और एक समय ऐसे आता है कि आप अपने पार्टनर को भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। देखिए, हस्त मैथुन करना जो है, सबसे पहले तो ये लत है। अगर आपको लग गई तो आप छूट नहीं पाएंगे। जैसे एक शराब का पैक पिया, जैसे कोई ड्रग्स लिया, आपने जैसे ही उसको लिया तो एकदम से एक सेंसेशन होती है, एक स्पाइक आता है, एक मज़ा आता है। उस मज़े के चक्कर में बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार 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 आप उसको रिपीट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसान जब हस्त मैथुन करता है तो उसको मालूम है कि वो बेकार है, लेकिन तब जब वह हस्त मैथुन कर लेता है कि मैंने ये अपने साथ में क्या किया, मैंने अपने साथ में गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपको मालूम है, आपकी शादी मान लो 25-26 या 27-28 के रेंज में शादी हो रही है, लड़की आपसे 1-2 साल छोटी होगी, 2-3 साल छोटी होगी, तो आपने हस्त मैथुन करना 14-15 साल की उम्र से करना शुरू कर दिया। आपने 14-15 साल की उम्र से करना शुरू किया, 25-26 तक जाके आपने लगातार हस्त मैथुन किया। जो एक लड़की है, उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है हस्त मैथुन करने का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। जो शादी होकर आ रही है, उसके घर परिवार में क्या कमी है, उसे खाने को मिल रहा है, उसे पैसा मिल रहा है, उसे पढ़ाई मिल रही है, भाई भाई मिल रहे हैं, माँ बाप मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो आपके पास इसलिए आते हैं ताकि वैवाहिक जीवन आपके साथ में सही से निकाल सके, बच्चे पैदा हो सके, एक समाज में अच्छे लेवल के साथ में आपके साथ आगे बढ़ सके। लेकिन आपने पहले ही हस्त मैथुन कर करके अपने लिंग का कर लिया नाश, जिस वजह से ना तो आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, ना बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, लिंग ढीला हो गया, लिंग साथ नहीं दे रहा है, और संभोग शक्ति भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो गई है, और वीर्य तो बस आपने लगाया लिंग और तुरंत आपका वीर्य गिरना शुरू हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी हस्त मैथुन की लत को छोड़ना है, यानी कि आपका जो हाथ है वो हस्त मैथुन नहीं करना चाहिए। और हाथ वहाँ पे कैसे नहीं जाना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपका मन कंट्रोल होगा, मन में ये जज्बा होगा कि मुझे नहीं करना है, अच्छा अगर आप नहीं करोगे तो मर तो नहीं जाओगे, मरोगे नहीं उल्टा सही होगे, है ना, मरोगे नहीं उल्टा सही होगा। तो क्यों छोटा मजा लेते हो, छोटे मजे के चक्कर में मत पड़ो, बड़ा मजा लो, बड़ा मजा लो। मजा अगर बार बार लेने लगे ना इंसान, तो मजे लेने की लत लग जाती है, चाहे वो मजा कोई सा भी हो, शराब का, ड्रग्स का, बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का, और हस्त मैथुन करने का, या कुछ भी। जब ज़्यादा मजा लेने लगते हैं तो उससे बोरियत हो जाती है, बोर हो जाते हैं, एक ज़्यादा बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो मज़ा जितने दिन के बाद लोगे, जितने समय के अंतराल के बाद लोगे, उतना आपको ज़्यादा मजा आएगा। ओके, हस्त मैथुन करना गलत नहीं है, लेकिन महीने में 1 या 2 बार करते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज से ही हम वचन लेते हैं कि आगे से जीवन में हस्त मैथुन नहीं करेंगे, अपने माइंड को सही रखेंगे, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और कोई भी नशा नहीं करेंगे।